सर्दियों के मौसम में हम किन किन प्लांट को लगा सकते हैं, किन को नहीं, तो आप देखिए हाइब्रिड बीन का, इस प्लांट को आप कटिंग से या नर्सरी से लाकर लगा सकते हैं। नर्सरी में ये प्लांट 20 रुपए तक का आपको मिल जाएगा, इसको आप लगा सकते हैं। टोमेटो को भी आप लगा सकते हैं, कैलेंचो, कैलेंचो हाइब्रिड देसी दोनों है, इसको भी आप लगा सकते हैं। पिटूनिया प्लांट है, इसको भी आप लगा सकते हैं। अभी सर्दी के मौसम में कई कलर्स में ये जो है इसके फ्लावर आते हैं, कोई भी आप इसका ऐड कर सकते हैं। की एक छोटी वाली वैरायटी, इसको भी आप लगा सकते हैं, लॉन्ग वाली वैरायटी भी लगा सकते हैं, ये छोटी वाली वैरायटी भी अभी आप लगा सकते हैं। कलंगी, मुर्गा कलंगी, स्लोसिया, कॉक्सकॉम, ये भी कई कलर्स में आते हैं, इसके फ्लावर बहुत सारे कलर्स में आते हैं, इस प्लांट को भी अभी आप लगा सकते हैं विंटर के सीजन में, बहुत ही सुंदर लगता है ये प्लांट, इसको भी आप जरूर लगाइए। इसके तीन कलर, दो कलर है अभी मेरे पास, एक पिंक और एक ये वाला कलर है, इसको भी आप लगा सकते हैं। स्वीट पोटैटो की एक ये ऑर्नामेंटल वाली वैरायटी है, जिसके पत्ते पर्पल कलर के होते हैं, इसको भी आप लगा सकते हैं। सलाद पत्ता को भी अभी आप लगा सकते हैं। पिटूनिया मैंने बताया, पिटूनिया को लगा सकते हैं। मैरीगोल्ड है, मैरीगोल्ड, जाफरी, दोनों वैरायटीज आप लगा सकते हैं। और इसके बाद देखिए गजानिया है, गजानिया लगा सकते हैं, डेंथस लगा सकते हैं, वर्बीना लगा सकते हैं, और डहेलिया लगा सकते हैं आप, गुलदावदी लगा सकते हैं, गुलदावदी भी कई कलर्स में आते हैं इसके फ्लावर्स, इसको भी आप लगा सकते हैं। ये अजूबा प्लांट को भी आप जो है लगा सकते हैं। इसके देखिए इस तरह से पत्तियों के ऊपर जो है छोटे छोटे बेबी प्लांट होते हैं, जैसे कि अभी देखिए मेरे हाथ में ये पत्ता गिर गया है, अभी इसको मैं जो है अगर कहीं भी है इसको लगा दूंगी तो ये प्लांट जो है ग्रो हो जाता है। अभी देखिए मैं यहाँ पर इसको लगा देती हूँ, ये प्लांट अपने आप ही पत्ती से ग्रो हो जाता है, तो इसके छोटे छोटे प्लांट से भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे मैंने ये प्लांट लगा दिया छोटा सा, ये देखिए इस तरह से बहुत ही खूबसूरत इसके प्लांट निकलते हैं इतने सारे, इसको आप एक पत्ती और एक छोटे बेबी प्लांट से ग्रो कर सकते हैं। देख सकते हैं कितना सुंदर ये प्लांट है, इसको आप लगा सकते हैं अभी विंटर की सीजन में। ई फोरबिया मिली को भी आप लगा सकते हैं अभी विंटर के सीजन में। आपको दिखा देती हूँ, ये है हमारी सब्जियां, ये मैंने मेथी लगाई है, इधर सरसों लगा रखी है, मैरीगोल्ड लगाया है, और इधर मैंने कुछ लगाए हैं बीज है, जैसे कि अजवाइन है, और ये मैंने कलौंजी है, कई बीज इसमें लगाए हैं, तो इनको भी आप लगा सकते हैं सर्दियों के सीजन में, अभी आप लगा सकते हैं। धनिया है, धनिये को भी आप लगा सकते हैं, मैंने भी अभी ग्रो कर रखा है, तो धनिये को भी आप लगा सकते हैं। और किस प्लांट को हमें नहीं लगाना है अभी सर्दी के मौसम में, जिस प्लांट को अभी नहीं लगाना है, ट्रेंगल हार्ट, टर्टल वाइन, वॉन्डरिंग जू, इनको नहीं लगाना है अभी। रियो प्लांट है, इसको नहीं लगाना है, अजवाइन को नहीं लगाना है, और ये मनी प्लांट को नहीं लगाना है, ठीक है, पर्सलेन को नहीं लगाना, पोर्चुलका को नहीं लगाना है, स्पेरिकस प्लांट है इसको नहीं लगाना है, और ये पर्पल हार्ट को नहीं लगाना है, इसको भी आप मत लगाइए भूल कर भी अभी इस सीजन में। डेविल्स बैकबोन की कई वेराइटीज है, इनको भी आप मत लगाइए भूल के भी। और सिंगोनियम को भी मत लगाइए, ये प्लांट अभी ग्रोथ नहीं करेंगे, ये प्लांट जो है रुक जाते हैं सर्दियों में, इनकी ग्रोथ नहीं होती है, इनकी ग्रोथ रुक जाती है, तो इससे अच्छा है कि आप जो है इन प्लांट को समर में ग्रो करिए, मार्च के महीने में आप इन प्लांट को ग्रो करिए, अभी ग्रो मत करिए। ऑल्टानेंत्रा की कई वेराइटीज है, इनको भी आप मत लगाइए अभी। ये है पत्थर चट्टा को भी मत लगाइए, पत्थर चट्टा भी विंटर का प्लांट है, इसको भी मत लगाइए। अगर आपके पास है ये डॉलर प्लांट को भी अभी आप मत लगाइए, ये गर्मियों में ग्रो करता है, विंटर में ही देखिए इस तरह से इसकी पीली पत्तियां होने लग जाती है, क्योंकि ये ठंड सहन नहीं कर पाते हैं ये प्लांट, तो ये ठंड में मर जाते हैं। ये स्पाइडर प्लांट को भी अभी आप मत लगाइए, स्पाइडर प्लांट भी अभी ग्रोथ नहीं करेगा, ये अपनी ग्रोथ को रोक देगा, ठीक है। मैक्सिकन पिटूनिया की कई वेराइटीज है, इसको भी आप ग्रो मत करिए। लालसा प्लांट को भी ग्रो मत करिए, देखिए मैंने इसकी कटिंग कर दी है, अभी इसको ग्रो मत करिए। इसकी एक और वेराइटी है ये देखिए ऑल्टानेंत्रा जिसको बोलते हैं, ये दूसरी वेराइटी है, इसको भी आप ग्रो मत करिए, ठीक है। और ये देखिए अपराजिता को भी अभी आप ग्रो मत करिए, अपराजिता को भी समर में आप ग्रो कर सकते हैं।
ठीक है, अपराजिता को ग्रो मत करिए अभी आप, और वॉन्डरिंग जो मैंने बताया, वॉन्डरिंग जो को भी ग्रो मत करिए अभी आप, कनेर है, कनेर को भी ग्रो मत करिए अभी आप, कनेर में अभी फ्लावरिंग हो रही है, बट ये कुछ टाइम के लिए फ्लावरिंग है, पर ये प्लांट जो है हमारे पास नहीं रहेगा, इसको भी आप ग्रो मत करिए, ठीक है। लिली को भी अभी आप ग्रो मत करिए, ये प्लांट भी जो है समर में ग्रोथ करता है, विंटर में इसकी ग्रोथ रुक जाती है, बिल्कुल इस तरह से जली जली पत्तियां होती हैं, क्योंकि ये जो समर के प्लांट होते हैं ये विंटर में अपने कुछ टाइम के लिए रेस्ट करते हैं, सो जाते हैं, तो ये ग्रो नहीं करते हैं, और विंटर में विंटर वाले प्लांट ग्रो करते हैं, विंटर में समर वाले प्लांट ग्रो नहीं करते हैं। वे ये प्लांट कुछ टाइम के लिए अब रेस्ट करेंगे, इनकी ग्रोथ अब शुरू होगी मार्च में, तब तक ये रेस्ट करेंगे, नवम्बर से लेके मार्च तक ये प्लांट जो है अपने रेस्ट करेंगे। देखिए लाल सा प्लांट है, अभी ये ग्रोथ कर रहा है, लेकिन इसकी ग्रोथ धीरे धीरे रुक जाएगी, ये ग्रोथ नहीं करेगा, तो इस प्लांट को भी आप मत लगाइए अभी, ठीक है। करी पत्ता है, करी पत्ता को भी अभी आप मत लगाइए, वैसे तो ये परमानेंट रहने वाला प्लांट है, पर जो है ग्रो नहीं करता है, विंटर में ये ग्रोथ रोक देता है, तो इसको भी आप जो है अभी मत लगाइए विंटर में, ठीक है, इस प्लांट को भी नहीं लगाना है। यूका का प्लांट भी अभी ग्रोथ नहीं करेगा, विंटर में ये प्लांट भी जो है ग्रोथ को रोक देता है, अभी आप इसको भी ग्रो मत करिए, मैक्सिकन पिटूनिया मैंने बताया, इसको भी ग्रो मत करिए आप। और जो है हमारी लिली, लिली के प्लांट है ये, है ये हमारे है रेल लिली, रेल लिली को भी अभी आप ग्रो मत करिए, रेल लिली बरसात का प्लांट है, रेल लिली गर्मियों का प्लांट है, इसको विंटर में ग्रो नहीं करना है। देखिए अगर विंटर में इस तरह से हम इसकी देखभाल भी नहीं कर पाते तो हमारे जो है सारे बल्ब खराब हो जाते हैं। मैंने तो इसकी कटिंग करके रखी हुई है, ये देखिए कट करके मैंने इनको सबको रखा हुआ है, एक साइड प्लांट को रखा, तो ये विंटर में ग्रोथ नहीं करते हैं, इसको आप ग्रो मत करिए, तो भी अभी आप मत लगाइए कुछ टाइम के लिए, क्योंकि ये प्लांट बहुत नाजुक होता है, इसके स्टेम में पानी भरा रहता है, और अभी जो है मिट्टी में मॉइस्चर बना रहता है, तो ये प्लांट इसलिए ग्रो नहीं करता है। कई फ्रेंडों की रिक्वेस्ट आ चुकी है कि हमारा कोलियस का प्लांट ग्रो नहीं हो रहा है, कोलियस इसीलिए ग्रो नहीं होता है क्योंकि इसके स्टेम में पानी भरा होता है, और जो है मिट्टी में अभी मॉइस्चर रहने लग गया है, तो ये जो है ज्यादा पानी से ये प्लांट खराब हो जाता है, तो अभी आप इसको ग्रो मत करिए विंटर में, ये प्लांट ग्रो को अपनी ग्रोथ को रोक देता है, और समर आते आते फिर ये अपने आप ही ग्रो शुरू कर देगा। ट्रेंगल हार्ट आप देख सकते हैं, ट्रेंगल हार्ट को भी आप ग्रो मत करिए, मनी प्लांट को मत करिए ग्रो, ऐसे बहुत सारे हैं, इन प्लांट को आप ग्रो बिल्कुल मत करिए। उम्र फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।